बोलने का स्टाइल थोड़ा चेंज हो गया। हाँ। पहले बोलता सानू जी मेरे लिए ये गाना गाइए, पहले बोलता था। हाँ। अब बोलता है ए ये गा। तो थैंक्स फॉर दिस गोवर प्रोड्यूसर एंड गोवर डायरेक्टर, आई डोंट बदर बट आई डोंट लाइक देम। उदित के साथ भी बहुत कम कम दोस्ती है, क्योंकि उसके साथ थोड़ा सा ऐसा ऐसा होता रहता था उस समय, वो ज्यादा करके करता था, मैं नहीं। पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है, ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन। लाइफस्टाइल, एंटरटेनमेंट एंड एवरीथिंग इन बिटवीन, दिस इज द पिंकविला पॉडकास्ट। परमेश्वर कुमार सानू जी, द किंग ऑफ मेलेडी, वेलकम टू द पिंकविला पॉडकास्ट। थैंक यू सर। मैं 90s में पला बड़ा हूँ, तो रोमांस का जो डेफिनेशन है उसका जो चेहरा मेरे लिए है वो शाहरुख खान है, और आवाज़ आपकी है, तो थैंक यू फॉर डूइंग दैट फॉर अस। थैंक यू। खाली नॉट ओनली शाहरुख खान, बहुत सारे और भी आर्टिस्ट था। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी आर्टिस्ट जिनके लिए मैंने काम किया, एंड सारे फिट बैठ गया था जी। वॉइस के साथ एक फिट बैठ जाना ना, वो सारे हीरोज के साथ हुआ था जी, इसीलिए थोड़ा सा नॉट ओनली शाहरुख खान जी जी। नहीं बिल्कुल, मतलब मैं कहना चाह रहा था कि क्योंकि मैं उनका भी फैन हूँ, आपका भी फैन हूँ, तो एक कॉम्बिनेशन बहुत क्रेजी बैठा है मेरे लिए भी। अच्छा अच्छा, बचपन से शुरू करते हैं सर, हम सब जानना चाहेंगे कुमार सानू जी बचपन में कैसे थे। बचपन से शौक था सिंगिंग का आपके वालिद साहब भी, क्योंकि मेरा घर जो था वो म्यूजिकल, एक म्यूजिकल परिवार था। डैडी प्योर क्लासिकल ट्यूटर थे, एंड घर में क्लास स्कूल वगैरह हुआ करता था। रोज़ सुबह उठ के, जब से पैदा हुआ था सुबह उठ के वही सुनना पड़ता था म्यूज़िक, एंड प्योर क्लासिकल। तो एक शुरू से ही एक म्यूज़िकल वातावरण में मैं पैदा हुआ, तो नेचुरली हमारे अंदर तो म्यूज़िक का बात आएगी। बट आई स्टार्टेड तबला प्लेइंग, एंड तबला बजाना शुरू किया, एंड उसके बाद मैं गाने में आया लेटर। तो म्यूजिकली हमारा स्टार्ट हो गया था शुरू से ही, बचपन से ही। बचपन में बहुत शरारती थे, एंड आप जो बोल रहे हैं कि बहुत ही शरारत करते थे हम लोग, एंड डैडी पीट पीट के हम लोगों को बिठाते थे। अच्छा, तो बैठो तबला बजाओ या गाना गाओ जो कुछ भी। तो हम लोग बहुत सुनते नहीं थे, मतलब भागने का चक्कर रहता था हमेशा कि कब ये ख़त्म करके मैं जाके खेलूँ। तो ये माहौल में पले बढ़े। बचपन में कौन से सिंगर्स का प्रभाव था आपके ऊपर? ऑफकोर्स एक नहीं, उस समय तो म्यूजिक हावी था, जैसे कि आशा जी, लता जी, किशोर दा, मोहम्मद रफी साहब एंड मुकेश जी, इन लोगों का जो एक प्रभाव था ना वो ट्रिमेंडस था। वो गाना सुनना, बीना का गीतमाला और विविध भारती, ये सब हुआ करता था, ऑल इंडिया रेडियो। तो वो गाने सुनते थे, एंड भाग भाग के सोचते थे कि भाई कब ऐसा गा सकूंगा। ये कलकत्ता में थे आप? कलकत्ता में थे। तो बॉम्बे सर कब आना हुआ, और पहले के कुछ दिन याद है? 83 में मैं एक बार बॉम्बे आया था, और 83 में आके फिर चला गया था। अच्छा। हाँ, एक गाना गा के गया था, और उसके बाद 86 में मैं वापस आया। 86 में आया तो 86 से ऑनवर्ड मैं आते ही होटलों में काम शुरू कर दिया था। उस समय होटलों में गाया करते थे, और पैसा कमा के वो पैसे से हम अपना प्रोमोज बनाते थे, मतलब सुनाने के लिए डेमो कैसेट, नॉट प्रोमो, डेमो कैसेट बनाते थे, एंड उसको जाके म्यूजिक डायरेक्टर स्ट्रगल करता था। म्यूजिक डायरेक्टर के किसी के हाथ में दे के आता था तो सुने कम से कम। तो ऐसा करते करते एक बार डेमो कैसेट बना रहा था मैं वेस्टर्न आउटडोर में, और वहाँ पे जगजीत सिंह जी आ गए हैं, और जगजीत सिंह जी आके बोला कि ये लड़का कौन गा रहा है, इसको बुलाओ। तो मेरे को बुलाया, और फिर मेरे को लेके वो अपने घर गया। अपने घर से फिर गाना, मेरे को एक गाना दिया, गाना सिखाया। फिर मेरे को लेके फेमस तारदेव में गया, फेमस तारदेव स्टूडियो में उस गाना को रिकॉर्ड किया। ये सब मतलब सपने की तरह होता गया, ड्रीम्स के तरह होता गया, एक के बाद एक। मैं सोचा भी नहीं था ऐसा हो सकता है। फिर उसके बाद उन्होंने हमको गाड़ी में बिठा के फिर लेके गया बिमला महल, कलाजी भाई, आनंद जी भाई से इंट्रोड्यूस कराया।
तो दैट वॉज माई फर्स्ट चांस, या चांस जिसको बोलते हैं ना इस बॉम्बे इंडस्ट्री में, दैट वॉज द चांस बाई जगजीत सिंह। बाई जगजीत सिंह जी, sure. मैंने कहीं ये भी देखा कि जब आप शुरू कर रहे थे तब किसी कोरस, आप कहीं परफॉर्म कर रहे थे और किसी कोरस सिंगर ने कहा कि कोलकाता से देखो एक और सिंगर आ गया। सारे खबर है आपको तो सर, ये एक सिंगर के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। नहीं देखिए, ये तो स्ट्रगल, ये इसको स्ट्रगल कहते हैं, एंड ये हमने बहुत फेस किया, ये सब चीज़ें जो हुआ है ना, बहुत सारा ये जो छोटे छोटे पॉलिटिक्स, ये जो बॉलीवुड का जो पॉलिटिक्स होता है, ये तो आज भी झेल रहा हूँ, लेकिन क्या है कि इसको सामना करने का जो ताकत है ना, वो होना चाहिए एक इंसान के अंदर, एक सही कलाकार के अंदर। ये हमने सुना माइक पे, जब चार 10 कोरस सिंगर मिलके बोल रहे, तो वो मेरे कान में आ रहा है। फिर वही लोग आज जब मुलाकात होते हैं तो सीने से लगाते हैं, अरे कुमार जी। तो उसको टांड करना अपना काम है, कोई कुछ बोले उसके ऊपर ज़्यादा रिएक्ट करके, हम उसको फेस करने का मतलब ये नहीं कि हम रिएक्ट करें उसके ऊपर, रिएक्ट नहीं करने का, जो काम के लिए वो बोल रहा है उसी काम के लिए हम काम में दिखा देंगे ना। यहाँ बॉम्बे इंडस्ट्री में एक चीज चलता है, दैट इज काम जी, ओनली बिल्कुल। चाम मतलब ये चमड़ी, हम लोग बंगाली में बोलते हैं चाम, बोलते ये चमड़ी का आदर कोई नहीं करता, काम का आदर सब कोई करता। तो ये चमड़ी का आदर नहीं है, ये काम का आदर होता है। तो दैट्स व्हाई के हम काम के जरिए उनको जवाब दे दिया। बिल्कुल, जरूरत नहीं पड़ी उनके मुंह लग के फाइट करने का, ये करने का जरूरत नहीं। पर आपने कहीं ऐसे बहुत किस्से थे आपको और याद है जो आपको शायद उस टाइम पे चुभे हो? मैं ऐसे बहुत सारे है, एक खाली एक नहीं है, मतलब हर मोमेंट में मैं एग्जाम देता गया और पास करता गया। एग्जाम तो हमको हर मोमेंट में देना पड़ा। देखिए, पहला जगजीत सिंह जी ने मेरे को बोला कि चलो टेस्ट करते हैं, तो उन्होंने जब सुना तो उनको अच्छा लगा, पास हो गया। उन्होंने मेरे को 1500 कुछ पेमेंट किया था। फिर उन्होंने मेरे को साथ में लेके गया कलानजी भाई के पास। कलानजी भाई ने मेरे को चांस नहीं दिया, कलानजी भाई मेरे को सन्मुखानंद हॉल में लेके गया, मातुंगा, हाँ सन्मुखानंद हॉल में लेके गया, उनका शो था। उन्होंने मेरे को पब्लिक के सामने फेंक डाल दिया। उन्होंने बोला कि देखो, एक कलकत्ता से एक लड़का आया, अगर ये अच्छा गाता है तो आप लोग ताली बजाएंगे तो पास हो जाएगा ये, अदरवाइज आप ताली नहीं बजाए तो समझ लो हूटिंग हो गया, तो समझ लो ये यहाँ से वापस जाएगा। ये भी एक चैलेंज था जी। लोगों ने ताली बजाया, लोगों ने ताली बंद ही नहीं कर रहा था, ऐसा हालत हो गया था, तो उसमें भी पास हो गया। उसके बाद कलानजी भाई मेरे को जादूगर में अमिताभ बच्चन के पास कैसेट गया, वो भी एक चैलेंज था। बिल्कुल, वो हाँ करेगा या ना करेगा, तो उन्होंने हाँ कर दिया, इसमें भी पास हो गया। तो हर टाइम आपको चैलेंज का फेस करना एक आदत पड़ गया हम लोगों को, चैलेंज फेस करना पड़ेगा ही एनी टाइम। नाउ इट इज आपको चैलेंज ऑल टाइम एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सिंगिंग, आप शायद मेरे को क्वेश्चन करेंगे कि भाई आप बड़े फिल्मों में क्यों नहीं गाते, आपका बहुत सारा यूट्यूब में रेगुलर गाना आते हैं, आप बड़े फिल्मों में आपका गाना क्यों नहीं आते? तो इसमें भी एक चैलेंज पॉलिटिक्स मिला हुआ है। अच्छा, उस चीज़ को समझना पड़ेगा, क्योंकि हर एक जो हीरोज है ना, टॉप जो हीरोज है हमारे, जो बड़े बड़े हीरोज जो है, इन लोगों का पर्सनल एक दायरा बना हुआ है, गोला बना हुआ है, कैंप है, एक लॉबी, एक अपना एक लॉबी बना हुआ है। उस लॉबी में आप अगर घुस गया और रेगुलर आपका शक्ल आप दिखा रहा है उनको, तो ये लॉबी में से ऑब्लिगेशन में काम मिलता है। और लॉबी के बाहर जो लोग हैं, जो लोग खुददार है, जैसे कि मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मैं खुददार हूँ, क्योंकि मैं किसी के पास काम मांगने नहीं जाऊँगा। आपको अगर पसंद है, आपको चाहिए कुमार सानू आवाज़, तो आप मेरे को रिस्पेक्ट दीजिए, पैसा दीजिए, लेके जाइए, हम गाना गा के आ जाएंगे। आज भी मैं वही कर रहा हूँ। तो ये भी तो एक पॉलिटिक्स है ना जी। तो आप उसके अंदर, गोला के अंदर या तो लॉबी के अंदर जो गा पा रहा है, इसका उसका वॉइस हीरो के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, दैट डज नॉट बॉदर। ये कोई बॉदर नहीं करता हम लोगों को। करेक्ट। एक अच्छा आवाज वाला आदमी अचानक पी करके गाना शुरू होता है, तो गले के साथ वो मैच नहीं होता है।
दिखाई देता है साफ, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो चीजें हैं, इस चीज से आई डोंट केयर, आई डोंट बॉदर, एक रत्ती भर भी मेरे को इसके लिए कोई ये नहीं है, डर नहीं है कि कौन मेरे को गवाएगा कौन नहीं गवाएगा। अभी आज समझ लो मैं 22,000 के ऊपर गाना गा दिया, बिल्कुल, अभी 22,000 सॉन्ग्स गा के फिर अगर मेरे को आके बॉदर करना पड़े, अरे ऐसा ऐसा करना पड़े गाँव करने के लिए, तो लाना था ऐसे जिंदगी में। तो मैं इसलिए अपना स्टैंड पे मैं एकदम पूरा कड़क हूँ, आज भी मैं गा रहा हूँ। जैसे कि कल मेरा 4 गाना है, परसों मेरा 2 गाना है, उसके बाद वाला 2 गाना है, ऐसा फिर 8 तारीख को मैं बेंगलोर चला जाऊँगा। तो मेरा रेगुलर गाना है, गाना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सिंगल एल्बम हो रहा है। कुछ अभी नेटफ्लिक्स का गाना आपने सुना होगा, गंजन गुल्ला, हाँ, जो दो राजी वाला जो गाना है, उन्होंने मेरे को पैसा दिया, उन्होंने मेरे को इज्जत दिया, उन्होंने मेरे से गाना गवाया, मैंने गा दिया। अभी ये तो ये इस तरह से अगर कोई आते हैं तो कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है जी, बट कोई अगर बोले कि भाई भाई मैं तुमको चांस दे रहा हूँ जी, तो उसके मुंह पे ही मार दूंगा मैं गुस्सा। वो तो गुस्सा ही मार दूंगा मैं सर, तो भाई तू चांस क्या देगा, तू पहले अपना चांस का ठीक कर। तो ये बात होती है कि यहाँ पे जो ओछा पॉलिटिक्स है, ये सब बोल सकते हैं आप, क्योंकि लोगों लोग ना आर्ट का जो एक खूबसूरती था, आर्ट का जो एक खूबसूरती था, लोग उसको कैश नहीं कर रहे। आप समझे बात जी, उसको कैश नहीं कर रहे, वो सोच रहे हैं कि हम बड़ा ग्रैंजर दिखा देंगे, बड़ा ये दिखा देंगे, ना स्टोरी में कोई दम है, ना म्यूजिक में कोई दम है, हम ऐसा कर देंगे ना, स्टांट जो हम करेंगे ना कोई नहीं दिखा पाएगा, खाली स्टांट ग्रैंजर हेवी म्यूजिक पेपी म्यूजिक सब बड़े बड़े पिक्चर मुंह के बल गिर रहे धमस धमस करके। तो क्या है, जब तक वो उस आर्ट का खूबसूरती को ना समझे तब तक यही होता रहेगा जी। वो लोग जब बोलता ना चांद का जिस कोने में हम उतरे वहां पे कोई नहीं उतरे, उस कोने को देखना चाहिए जहां पे कुछ नहीं है, उस कोने को देखना चाहिए जी। तो इंडिया ने वही किया, तो विश्वगुरु बन गया, बिल्कुल विश्व में सब इंडिया की तरफ देख रहा है, भाई ऐसी जगह पे उतर दिया जहां पे हम लोग कोई गया ही नहीं जी। तो ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर को भी ऐसा सोचना चाहिए कि हम क्या मिस कर रहे हैं और हम क्या लेके खेल रहे हैं, जहां सब कोई जा रहा है हम भी वहीं जा रहे हैं, क्यों भाई, बिल्कुल। तो ये थिंकिंग होना चाहिए, मैं समझता हूँ कि जो लोग देख रहे हैं आज, प्रोड्यूसर या डायरेक्टर कोई भी देख रहा है, तो उनको अभी भी मैं बोलूंगा कि भाई अभी भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा सोचिए, इस सोसाइटी के बारे में सोचिए, हमारे जो समाज है इसके बारे में सोचिए जी। अभी क्या हो गया, फिल्मों में पहले क्या होता था, आपको पहले ही बताया कि म्यूजिक एक टेरिटरी हुआ करता था, म्यूजिक बेच के लोग फिल्म बना देते इस पैसे से, करेक्ट, सही में मेरे सामने मैं आपने सामने देखा, म्यूजिक के जो पैसा मिल रहा है ना म्यूजिक बेच के, वो म्यूजिक के पैसे से फिल्म आधा फिल्म की ज्यादा फिल्म बन जाता है उस पैसे से जी। तो हुआ ना एक टेरिटरी जी। तो म्यूजिक एक टेरिटरी था, म्यूजिक एक प्रायोरिटी था, म्यूजिक डायरेक्टर का एक औहदा था, सिंगर लोगों का लोग पूछते थे, ये होता था, लिरिक्स राइटर को लोग पूछते थे जी, एक औहदा था। अभी ये लोग क्या किया, म्यूजिक को सेकेंडरी कर दिया। म्यूजिक एक ऐसा चीज है जो पब्लिक को खींच के हॉल तक लाने का ड्यूटी है म्यूजिक का, जैसे आशिकी में भी हुआ, सब मेरा खाली आशिकी नहीं है, आपको 350 फिल्म ऐसा बता देंगे, बिल्कुल। तो म्यूजिक का काम था कि मार्केट में पहले म्यूजिक आता है, म्यूजिक सुनने के बाद लोगों को दिल में लगता है, फिर बोलते नहीं सर हॉल में जाके देखेंगे यार ये क्या बात है, ये हुआ करता था, ये सच है। हमने आशिकी में खुद आशिकी में हॉल में बैठ के देखा, जैसे ही गाना आ रहा है तो ऐसा चिल्लर गिर रहा है पर्दे के ऊपर, थ्रो हो रहा है। आप सोचो कि उस समय मैं कुछ भी नहीं, ये मेरा पहला फिल्म मैंने नाम वाला फिल्म, उससे पहले छोटा मोटा तो गा दिया था, करेक्ट, तो मेरे को कोई बेचैनता नहीं है, मैं तो बैठ के आराम मजा ले रहा हूँ, धर 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 करके पैसा आ रहा है हर एक गाने में। तो आप बताइए कि म्यूजिक का क्या अहमियत था, वो म्यूजिक ने खींच के उन लोगों को लेके आया हॉल तक, वही करता था, सारे म्यूजिक पहले रिलीज होता था, हॉल तक पब्लिक आता था बिकॉज ऑफ म्यूजिक। आज ये लोग सबसे बड़ा बेवकूफी कर रहे हैं जो म्यूजिक को सेकेंडरी कर दिया, एक बड़ा टेरिटरी को वो लोगों ने ऐसा हटा के रख दिया, म्यूजिक नहीं होने से भी चलेगा कोई बात नहीं, म्यूजिक, अरे म्यूजिक छोड़ के
ये फिल्म इंडस्ट्री फिल्म विदाउट म्यूजिक नेवर करेक्ट. अभी समझ लो 350 फिल्मों में कोई एक फिल्म हिट हो गया, दैट इज नॉट द एग्जाम्पल. 350 फिल्मों में 200 फिल्म हिट हुआ, दैट इज द एग्जाम्पल. तो ये बात है ना. अब मैं तो प्रैक्टिकल बोलता हूँ, मैं किसी का डरता नहीं हूँ, मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं तो बोल ही देता हूँ. मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उनके सोचे समझे. लेकिन लोगों को ये सोचना चाहिए भाई कि म्यूजिक को लेके आप जो सेकेंडरी करके रख दिया उसको अनाथ बच्चे की तरह, उसको थोड़ा सा अपना, गलत है. उसको अपना हो. जी गलत है बिल्कुल. सर आशिकी कैसे मिली? आशिकी वॉज एन एल्बम. आप तो जानते होंगे, आपका इतना खबर रखते हो आप, ये भी जानते होंगे. मुझे 100% मालूम है. आशिकी वॉज एन एल्बम एंड इट्स कॉल्ड चाहत. चाहत करके एल्बम था. वो महेश भट्ट जी वहाँ पे आए और सारे गाना सुन के बोले कि गाने तो फिल्म का लगता है. तो गुलशन जी ने मजाक मजाक में बोला कि भाई आप फिल्म बनाओगे तो बना दो. तो बोलता हाँ बना देते हैं, आप मेरे को गाना सारे दे दो और गाने के ऊपर स्टोरी लिख के मैं कर लेता हूँ. मजाक मजाक में वो फिल्म बना. करेक्ट. और कितना खर्चा हुआ होगा? 5-7 लाख रुपये खर्चा होगा. अच्छा. और वो 100-100 करोड़ कमा रहा है आज भी. बिल्कुल. उसे गाने भी. बिल्कुल. सर कोई कहानी है जब आप रिकॉर्ड कर रहे थे ये गानों के लिए, जैसे धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आया सर बहुत प्यारा. देखो सब गाने में ऐसा हो गया था, ये जो 10 गाना हमने गाया था 10 के 10 गाना हिट था उस फिल्म में. ये 10 गाना ना जैसे ही सनी स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ करता था, कभी सुदीप में, सॉरी सुदीप 19th रोड में, सुदीप करके एक सुपर कैसेट का एक स्टूडियो था बहुत बड़ा, एंड उसमें रिकॉर्ड होता था. जब भी ये गाना रिकॉर्ड होता था तो नदीम बैलेंसिंग रूम के अंदर नदीम जी ने 500 का नोट 100-100 का नोट वो उड़ाते थे और वहाँ पे जो जितने भी वर्कर है ना सब लोग ले लेते थे पैसा. तो लास्ट में ऐसा हो गया था कि मैं जाते ही सब कुछ हो जाते थे. हाँ. आज कुछ मिलेगा माल. तो ऐसा हो गया था क्योंकि गाने इतना अच्छा अच्छा बन रहा था. जी. और गाने में जब सब कुछ ठीक हो जाता है, मतलब सिंगिंग से लेके लिरिक्स से लेके सब ठीक हो जाता है, तो म्यूजिक डायरेक्टर पागल हो जाता है. तो म्यूजिक डायरेक्टर उछल के कूद के, तो पहला जब नज़र के सामने फास्ट रिकॉर्डिंग हुआ था नज़र के सामने जिगर के पास, तो उस गाने में उन्होंने मेरे को टाइगर बोला. आवाज़ पहले सुनते ही, माइक पे आवाज़ सुनते ही बोला कि अरे टाइगर या टाइगर ऐसा करके चिल्लाया. तो तब से टाइगर नाम हुआ मेरा. जी. एंड इंडस्ट्री में जो टाइगर नाम मेरा है सिंगिंग में, तो बिकॉज ऑफ दैट कि नदीम जी के लिए. तो ये सिलसिला चलता गया. तो म्यूजिक का अहमियत अभी भी लोग ना समझे तो कैसे बोले. तो पहला वो गाने में क्या, गाने का घटना आपने जो पूछा, जो गाने में कोई ऐसा वाकया, यही वाकया रोज का होता था. रोज पैसा उड़ाना, ये करना, ये सब रोज का चलता था. कोई नया कुछ नहीं था, चाहे वो कोई भी स्टूडियो हो, महबूब हो, सानी हो, बॉम्बे लैब हो, या पैसा उड़ने का चक्कर चला था. फिर उस समय लोगों को पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट को जाहिर करने के लिए उड़ा देता था. ये ऐसा भी दौर था ना कि आप दिन में बहुत सारे गाने गाते थे, एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो, दूसरे स्टूडियो से तीसरे स्टूडियो. ये क्या दौर था सर? एक आपने 28 गाने गाए, आपके पास वो गिनीज बुक का रिकॉर्ड भी. यस यस. एक ही दिन में? एक दिन में. ये सब मजबूरी में हुआ. बहुत मजबूरी था. मजबूरी था इसलिए कि मैं 40 डेज का एक टूर था मेरा अमेरिका, और 93 समझ में आ रहा है ना मेरा क्या हालत था उस समय. जी. रोज दिन में 10-12 गाना तो गा ही रहा हूँ. तो 93 में 40 डेज का एक टूर था मेरा, US टूर था. तो सब लोग चाह रहे थे, सब प्रोड्यूसर लोग चाह रहे थे कि उसका गाना गा के जाऊँ, क्योंकि 40 डेज का गैप हो जाएगा ना, किसी का शूटिंग है, किसी का ये है. तो 40 डेज का गैप हो, कोई नहीं रिस्क नहीं लेना चाहते थे. वो बोलते कि अपना मेरा गाना गा के जाओ. तो मैंने, बहुत प्रेशर था, मजबूरी था जिसको बोलता है. तो मैंने सबको बुला लिया था वो अपना म्यूजिशियन स्टूडियो में, बोलते जिनको जिनको गवाना है आए, ट्रैक लेके हमको गवाए और जाए. तो सुबह से लेके ये जो दुकान खोल के रखा था मैंने, सुबह 10-10:30 बजे 11 बजे से दुकान खुला, एंड तब से लेके रात को 11-12 बजे तक मैंने गाता गया. कब रिकॉर्ड बन गया आई डोंट नो. नेक्स्ट डे टाइम्स ऑफ इंडिया में निकला कि कुमार सानू ने 28 गाना गा दिया. और फिर वो लोग आया
टाइम्स ऑफ इंडिया से वो लोग वो कैप्शन को उठा के फिर वो लोग हमसे कॉन्टैक्ट किया। वो रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है। टूटा नहीं, अभी कोई तोड़ भी देगा तो क्या है जो पहले बन जाता है वो पहला ही होता है। बिल्कुल, चाहे वो कोई कोई भी तोड़ दे। जी, जैसे दिलीप कुमार है, दिलीप कुमार जो करके गया अभी कोई नहीं कर पाएगा। अभी उससे ज़्यादा कर दिया किसी ने, लेकिन दिलीप कुमार जैसा कोई नहीं कर पाएगा। वो बोलेगा दिलीप कुमार से ज़्यादा कर दिया मैंने, कर दिया भाई तूने ज़्यादा, लेकिन दिलीप कुमार जैसा नहीं कर पाया। जी, तो ये होता है बात, जो हमने कर दिया उसके ऊपर कोई भी कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जी सर, उस टाइम पे लोग कंपटीशन और ये सब भी बहुत चीज़ें मानते थे, बट मुझे पता है कि आपकी सबसे दोस्ती थी, ये इंटेंशनल था, एक कॉन्शियस था कि यार मैं सिर्फ अपना काम करूंगा और मैं जेन्युइनली दोस्त भी बनाऊंगा बिजनेस में। बहुत ज़्यादा दोस्त तो नहीं बना मेरा, यू नो, मेरा काम के प्रति मेरा एक नेचर, मैंने आपको बताया नहीं था, मेरा ये नेचर है कि मैं ना कौन क्या कर रहा है उसमें ध्यान नहीं देता था, मैं अपने पे फोकस बहुत ज़्यादा करता था, एंड खास करके गाने में। तो गाना उस समय खाली गाना गाना है और आगे बढ़ना है, ये एक मोटो था, गोल था, जिसके लिए बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं हुआ। जो लोग मेरे संस्पर्श में आए वो लोग मेरा दोस्त बन गया अपने आप। मैंने उनके लिए कोई मेहनत नहीं की ये दोस्ती को मेंटेन करना चाहिए, भाई हाँ भाई शाम को क्या कर रहा है, आ जा घर पे, सब ये सब नहीं। अच्छा, हाँ, एक तो मैं दारू नहीं पीता, एक मैं सिगरेट का कोई सवाल ही नहीं है, कोई नशा नहीं है, तो पार्टी में किस लिए जाऊं? कोई पार्टी में अगर जाना पड़ता है तो दोस्त लोग साला जबरदस्ती हाथ में ग्लास पकड़ा देते हैं। अभी हाथ में ग्लास लेके घूमते रहो सारा टाइम, पियो ना पियो, है हमारे पास है दादा कुछ लेते क्यों नहीं, हमारे बस है ना, चल रहा है। अभी खाम का परेशानी, हाथ में वो साला एक लेके घूमो, गिरे ना, ये करना है उसको संभालो चलो। तो मैं ज़्यादातर करके ये सब चीज़ें अवॉइड करता था। तो दोस्त बोलते बोलने से एक दो लोग है, जैसे कि अलका जी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोगों ने साथ में काम किए, बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा, ऐसा दो माइक जैसा बैठा लगा हुआ है ना, ऐसा दो माइक में खड़े होकर दोनों कंटिन्यू मजाक हंसी मजाक मैं बहुत करता हूँ जी, तो हंसी मजाक चलता था। तो अलका जी के साथ बहुत ज़्यादा काम किए, बहुत अच्छा दोस्ती था उनके साथ, बहुत ज़्यादा दोस्ती है उनके साथ। एंड अनुराधा पौडवाल जी भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, बट अनुराधा पौडवाल जी शुरू शुरू में नहीं था, बाद में हुआ। साधना सरगम, कविता कृष्णमूर्ति, ये लोग के साथ दोस्ती है, लेकिन एक लिमिटेड। सोनू के साथ बहुत अच्छा दोस्ती है, शान के साथ ज़्यादा दोस्ती है, उदित के साथ भी बहुत कम कम दोस्ती है, क्योंकि उसके साथ थोड़ा सा ऐसा ऐसा होता रहता था उस समय, वो ज़्यादा करके करता था, मैं नहीं लेकिन अच्छा है, बात करने में मज़ा आता था, उससे हंसी मजाक चलता था। पर हम लोगों का दोस्ती है, हम लोग साथ में बहुत काम किए, और अभी भी हम लोग शोज वगैरह जा रहे हैं, अभी लंदन जा रहा हूँ हम नवंबर में उनके साथ, उनको मैं और अभिजीत तीनों एक साथ। तो दोस्ती लोग अभी थोड़ा सा जो लोग जो समझ गया मेरे को, वो लोग अभी दोस्ती कर रहे हैं, जो लोग पहले एंटी था वो लोग अभी दोस्ती कर रहे हैं मेरे साथ जी। तो मेरे को बड़ा मजा आता है ये भी एक चैलेंज से पास करके आगे आना। मेरे बारे में आपने कभी नहीं सुना कि मैं कभी किसी इंटरव्यू में किसी कॉलिग के बारे में उल्टा पलटा बोला, बिल्कुल कभी भी नहीं सुनेंगे, कौन क्या गाता है क्या नहीं गाता है हमको करना ही नहीं आ रहा। ये लेके कॉलिग के साथ कोई लफड़ा देखना, दूसरे लोग बोलते हैं लेकिन मैं उसका जवाब नहीं दिया कभी, इसलिए वो दब गया जी। तो जो लोग बोलते थे जो लोग करते थे आज वो लोग मेरा सबसे अच्छा दोस्त है जी। नहीं, आपने सही कहा, उस टाइम पे बहुत आर्टिकल्स आते थे आपके और उदित जी के बारे में भी, बट हमारे बारे में हमारा कोई कमेंट नहीं होता था जी। आप कोई आर्टिकल नहीं दिखा सकते हो जहाँ पे उनके कहने पे मैंने कुछ रिएक्शन दिया, नो नेवर, यही तो मेरी खूबी थी जी कि मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, तुम बोलते जाओ जो आज मोदी जी के बारे में हो रहा है, मोदी नरेंद्र मोदी जितना बोल के लोग को उनको और पॉपुलर कर दिया, उनके बारे में उनको गाली दे के उनको बोल के क्या जी, तो सॉलिड पब्लिसिटी उनको मिल रहा है उन लोगों से, ओपोनेंट से। मेरा भी वही था कि मेरे बारे में अगर चार शब्द बोले तो पब्लिक तो जानेगा ना कि कुमार सानू ये है, कुमार सानू तो कुमार सानू तो फेमस हो रहा है ना, तो इसको पॉजिटिवली ले लो। तो मेरा भी वही था टेंडेंसी। सर, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट कब आया? अटल जी के टाइम पे एक बार थोड़ा सा खुजली बोले ना, यू नो इचिंग, वो उस टाइप का हुआ था थोड़ा सा, लेकिन एक बार इच्छा हुआ था तो
तो मैं एक बार गया था, बट जाके देखा कि ना हमारे द्वारा नहीं होगा क्योंकि बहुत टाइम देना पड़ता है एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो नहीं कर पाऊँगा, तो इसलिए मैंने अपने आप को हटा लिया। बट मेरा फेवरेट कुछ लोग हैं उनमें से अटल जी, डेफिनेटली अटल बिहारी वाजपेयी, आई लव हिम, इंदिरा गांधी, आई लव दैट लेडी, कुछ लोग हैं जो फेवरेट है पॉलिटिक्स में। अभी मोदी जी को मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बाकी और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको अच्छा लगता है लेकिन बोलने लायक नहीं है। तीन चार नाम जो बोला, इन लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। जी जी सर, मैं ना आजकल के गानों में जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ वो है लिप सिंकिंग। उस टाइम पे 90s 80s में ये बहुत होता था, अब बहुत गाने बनते भी है पर बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और एक्टर अपना कुछ करते रहते हैं स्क्रीन पे। मुझे याद है एक बार ऋषि कपूर साहब ने रणबीर कपूर को फ़ोन करके बोला था जब वो कुछ एक गाने का प्रिपरेशन कर रहे थे, और तभी उनको फ़ोन करके बोला कि तुम लिप सिंकिंग करने वाले हो, खुल के गाओ, मतलब जस्ट एक अच्छा सा परफॉर्मेंस दो स्क्रीन पे कि जो गाना गा रहा है उसका भी जस्टिफिकेशन हो, उसके एफर्ट्स का, उसके एक्सप्रेशंस का। मुझे पता है आप भी जब गाते हैं तब आप एक्सप्रेशंस के साथ गाते हैं, आपके हिसाब से सर कौन से एक्टर्स हैं जिन्होंने आपके गाने जस्टिफाई किए हैं स्क्रीन पे? आपने बता ही दिया ना, ऋषि कपूर। मेरा सबसे ज़्यादा गाने का अगर जस्टिफाई किसने किया वो है ऋषि कपूर, देन शाहरुख खान। अच्छा, पहले ऋषि कपूर। ऋषि कपूर जी का स्टेज ये फिल्मों में जब वो गाते थे ना तो उसका आप देखना कि यहाँ का जो नस है ना, ये नस फूला हुआ दिखता था, ये नस ऐसा लगता है कि सिंगर खुद गा रहा है, ऋषि कपूर खुद गा रहा है ये फट, क्योंकि खुद गाते भी थे। करेक्ट। तो ऋषि कपूर का जो सेटिस्फेक्शन होता था देख के, उन्होंने जो जस्टिफाई किया हर गाने का मेरा, ऐसा कोई नहीं कर पाया। उसके बाद शाहरुख जी, उन्होंने जो मेरा जस्टिफाई किया काफ़ी हद तक, आफ्टर ऋषि कपूर शाहरुख खान। करेक्ट सर, लेकिन ये क्या मतलब मैं समझ नहीं पाता हूँ अभी भी कि अगर दिन में चलो 28 सॉन्ग्स तो आपने एक दिन का वो रिकॉर्ड बनाया पर फिर भी आप दिन में 10-12 गाने गा ही लेते थे, वो सर कैसे पॉसिबल है? थोड़ा सा मुश्किल हो जाता होगा। और एक ऊपर वाला पावर दिया, ग्रैबिंग पावर बहुत फास्ट है, ट्रिमेंडस ग्रैबिंग पावर है, तो फट से गाना सीखना, फट से गाना वो किस तरह से प्रोनाउंस कर रहा है उसके ऊपर वर्कआउट कर लेना, ये सब मेरा 10-15 मिनट के अंदर कर लेता था मैं। तो आधा घंटा मैक्सिमम 40 मिनट एक गाने के लिए मेरा लगता था, 40 मिनट बस मैं पूरा गाना शूट हो जाता yes. ओ वाओ, आपको मालूम नहीं है, सोचेंगे तुम्हें प्यार हमने 9 मिनट में गाया था, 9 मिनट्स, ओनली 9 मिनट्स। कैसे पॉसिबल है? दो दिल मिल रहा है 20 मिनट्स, सुभाष घाई जी का गाना, हाँ 20 मिनट्स में मैं रिकॉर्ड किया। ऐसा बहुत सारा है, एक आध मेरे को है, एक आध याद है, हाँ। इसीलिए बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा ही करता, मेरा आधा घंटा मैक्सिमम, अगर बहुत टफ गाना होगा तो फिर 40 मिनट, उतने में मैं गाना लिखूंगा, गाना सीखूंगा, माइक पे जाके गाना गा दूंगा। पर कंपोजर्स और दिमाग नहीं करते थे कि और एक टेक ले लेते हैं, और एक कुछ कर लेते हैं, ऐसा होता है? कंपोजर सेटिस्फाइड होता है तभी हमको माइक से वो छोड़ता है, नहीं तो हमको छोड़ेगा? बिल्कुल। कुमार सानू मिला, हम उसका ऐसे ही छोड़ दें, उल्टा पलटा गा के चले जाए? नो, वो सेटिस्फाइड होंगे, उसके साथ लिरिक्स राइटर सेटिस्फाइड होंगे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर वो लोग सेटिस्फाइड होंगे, तब जाके मेरे को छोड़ता था। नहीं सानू जी ओके, तब ओके आता था, तब मैं जाके अपना माल गिन के लेके चलो। तो ये होता था। सॉरी सर, ये पूछना चाहिए कि नहीं मुझे पता नहीं, पर आपने कहा माल लेके निकल जाता था, तभी ऑन द स्पॉट पेमेंट होती थी? ऑन द स्पॉट पेमेंट। ओ अच्छा। हाँ, कुछ एतेल टाइप का लोग था जो चेक में पेमेंट करते थे, और कुछ लोग थे सीधा पैसा दे देते हाथ में। अच्छा, तो चेक पैसा मिला मुलू के हो चलता था। हाँ, इनकम टैक्स वाला कभी हमारे पीछे नहीं आना। जो पहले हो गया भूल जाओ। जैसे आपने कहा कि ये टाइम थोड़ा सा अलग था, आज अगर आपको कुछ चेंज करना हो आज के दौर में तो सर आप क्या चेंज करेंगे? डेफिनेटली म्यूजिक चेंज करूंगा। म्यूजिक में मेलेडी लाऊंगा, आई वॉन्ट दैट, क्योंकि म्यूजिक इज ए थेरापी। म्यूजिक ऐसा नहीं कि खाली नाचने के लिए है। बिल्कुल, म्यूजिक इज ए थेरापी। अगर ये थक जाते हैं, सारा दिन काम करके थक जाएंगे, रात को जाके अगर वहाँ जाके अगर 4 बोतल वोडका सुनेगा तो इसका तो और चढ़ जाएगा, और वोडका मांगेगा, वोडका दो। ये वहाँ जाके सुनेगा सॉफ्ट कुछ ना कहो टाइप का गाना, या जब कोई बात बिगड़ जाएगा ना, इस तरह के गाना वो सुनेंगे तो उसका क्या, नींद अच्छा आएगा, सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा, परिवार अच्छा लगेगा,
करेक्ट, नहीं तो फिर अगर वो सब करते रहेंगे भाई तो फिर अलग ही बन जाएगा। तो म्यूजिक ऑलवेज इज अ थेरापी, सुकून देता है म्यूजिक, बोलता है ना म्यूजिक सुकून देता है। तो हम सुकून को निकाल के फेंक दिया है, सुकून को छोड़ के अगर बाकी कुछ करें तो आई वांट दैट सुकून वापिस जी इन म्यूजिक। तो अगर मेरे को कुछ चेंज करना है तो मैं चाहूँगा कि सारे लोग जो म्यूजिक कर रहा है उसको हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँगा कि ये चार बोतल वाला वोडका वाला जो गाना है इसको सब छोड़ो जी, आप प्रॉपर म्यूजिक में आओ। सर एक वो भी गाना है तेरा प्यार हुक्का बार, बस आप बोलो तेरा प्यार हुक्का बार, मतलब हुक्का पियो और फूक दो, मतलब प्यार खत्म, धुएं के साथ प्यार भी बाहर जी। तो ये 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 लिरिक्स जो है ना, ये फुट टेपिंग कुछ लोग एक सस्ते का रास्ता अपना लिया, जल्दी जल्दी कुछ माल खमा के चलो यार, भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए समाज। करेक्ट, एवरीबडी हैज द सोशल लाइबिलिटीज, सबका एक सेलिब्रिटी होने के नाते मैं ये कहूँगा कि हर एक सेलिब्रिटी का एक सोशल लाइबिलिटीज होता है, उस सोशल लाइबिलिटीज का ख्याल रखना चाहिए कि आपका नेक्स्ट जनरेशन आपको देख के बड़े होते हैं जी, कहीं ना कहीं आपका प्रभाव उसी हर फैमिली में पड़ता है सेलिब्रिटीज का, चाहे वो शाहरुख खान जी हो या चाहे अमिताभ बच्चन हो चाहे कोई भी। तो आप जिस तरह से दोगे ना तो उसका उसका थोड़ा इफेक्ट तो अंदर होगा ही पब्लिक में जी, क्योंकि ये लोग सब कुछ छोड़ के आपको देखने जाते हैं। आज हमने 500 रुपये का टिकट लेके जा रहा हूँ देखने, तो जो लोग 500 रुपया खपा के कमा के कब तक कोशिश करके तकलीफ करके कमा के उस पैसे से आपसे वो मजा लेने जा रहे हैं जी, तो आपसे वो सीखेगा ना। तो आप जब देखोगे जब किसी के बदन पे थूक रहे हो तो वो जाके बाहर थूकेगा किसी के बदन पे। तो ये दिस इज द लाइबिलिटीज एक सेलिब्रिटी का, कि सेलिब्रिटी को हमेशा आम पब्लिक फॉलो करते हैं, सीधी सी बात है जी। आज कोई हेयर कट कर दिया उस तरह से हेयर कट सब कोई कर लेते हैं, आज कोई ऐसा पैंट शर्ट पहन लिया तो सब कोई पहनते हैं। तो यू हैव टू थिंक अबाउट द समाज, कि समाज में आपका क्या प्रभाव, आपका जब प्रभाव पड़ता है तो फिर आप प्लीज़ उसका ख्याल रखो जी। मेरा कहने का मतलब यह है, आप कोई दारू का ऐड कर रहे हो, आप कोई सिगरेट का ऐड कर रहे हो, आप कोई गुटखे का ऐड कर रहे हो, तो आपको यू हैव टू थिंक अबाउट दैट के व्हाट यू आर डूइंग जी, दिस इज द राइट थिंग फॉर यंग जनरेशन। नहीं बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल आप पान मसाला डाल रहे हो मुंह पे, आप एक बार भी नहीं बोलते हो कि पान मसाला से कैंसर होता है, एक बार भी आप नहीं बोलोगे, लेकिन आप उकसाओगे कि और खाओ आप लोग प्लीज। तो ये जो लाइबिलिटीज होता है ना, एक सोशल लाइबिलिटीज जो है ना, ये हीरोज का, ये हीरोइन का, या जो भी सेलिब्रिटीज होता है चाहे हमारे फील्ड में हो किसी भी फील्ड में हो, उनका एक लाइबिलिटीज होता है। सो उस लाइबिलिटीज को कोई पालन नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत अमिताभ जी करते हैं जी, अभी कोई तेल लगा रहा है माथे में तो ठीक है, इट्स ओके, वो तो ऊपर ऊपर से जाएगा, जो चीज अंदर जा रहा है यू टेकिंग दैट थिंग जो आपके लिए क्षति है, जैसे कि समझ लो कोई भी कोला हो, एनी कोला, दीज आर ऑल पॉइजन। अब हीरो कोला पी रहा है तो फिर सब लोग पिएगा, यंग जनरेशन जो शाहरुख खान को फॉलो करता है वो भी पिएगा, जो रणबीर को करता है, जो आमिर खान को करता है, जो सलमान को करते हैं तो पिएगा ना। करेक्ट, क्योंकि वो नहीं दिखेगा कि इसमें खराब है कि बुरा है, अच्छा है, वो हमारे गुरुदेव पिया चलो हम भी पिएंगे। तो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट जी। कभी ऐसा हुआ कि आप एक खुद एक पर्सनल क्राइसिस से गुजर रहे हैं पर आपको कॉन्सर्ट करना है, अरे सो मस्ट गो ऑन, ये एक शब्द बोल दिया ना राज कपूर साहब ने बोला था ना जी। तो ये आपको आपका कोई भी कुछ हो, मैंने बोला ना स्विच ऑन स्विच ऑफ, वही स्विच ऑन स्विच ऑफ वाली बात है। आपको जब पब्लिक के सामने, आप पब्लिक के सामने जब जा रहे हो तो पब्लिक को कोई लेना देना नहीं है कि आपके परिवार में आपका पीछे क्या फोड़ी हुआ या आपका पीछे काटा हुआ है, आपका पीछे क्या हुआ, आपका पीछे कोई दर्द है दुख है, हमको कोई लेना देना नहीं। जब कुमार सानू आया तो अच्छा गाना गाएगा, आई हैव टू सिंग इन फ्रंट ऑफ देम और मुँह में हंसी रख के स्टेज पे, तो यू हैव टू गिव योर 100% जी टू द ऑडियंस। मैं समझने की ये कोशिश कर रहा हूँ सर कि मुझे पता है कि आपके जब वालिद साहब का निधन हुआ था तब शाम को जाके आपने परफॉर्म किया था, यस yes. ये कितना मुश्किल होता है? नहीं नहीं, वो तो मुश्किल बहुत हुआ था, मैं स्टेज पे गिर भी गया था, इतना फ्लावर आया था स्टेज पे, मैं फिसल गया था फ्लावर में, वो फूल गिरता है ना तो फूल भर गया था, तो फूल में फिसल गया था मैं,
और मैं गिर भी गया था, और गिरने के बाद भी मैं सो सो के गाना गा रहा था, पर लोगों को समझ में नहीं दिया कि मैं गिरा। मैंने उनको लगा कि सानुदा कोई स्टाइल मार रहा है, ये होता है भाई लोगों को क्या। फिर मेरे को बाद में जब हम गाना गा के अंदर आए तो सब लोग आके एकदम दादा लगा तो नहीं, ये नहीं हुआ, ये नहीं हमारा, थोड़ा बहुत लगा यार, वो कोई बात नहीं है चलो। लेकिन पब्लिक को ऐसा लगा कि हम डांस करते करते गिर गया, और गिरा और सो के मैं एक अलग पोज से गाना गा रहा हूँ। तो दैट इज यू हैव टू डू इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। ये दर्द भरी कहानी आप जौकी हो को होगा सब आप घर पर छोड़ के आओ, इधर आके आपको पब्लिक में 100% आपको हंसमुख रहना पड़ेगा। जैसे आपने कहा शराब है शायरी, या शराब भी बोल सकते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बैड थिंग फॉर द आर्टिस्ट। जी सर, उस टाइम पे कॉन्सर्ट्स कैसे होते थे? US जाते थे आप, काफ़ी अब्रॉड भी ट्रैवल करते थे, और मुझे पता है बहुत फनी फनी इंसिडेंट्स भी हो जाते थे कभी कभी ये कॉन्सर्ट्स पे। कभी ऐसा हुआ है कि नीचे बैठा हो किसी ने जोर से गाना डिमांड कर दिया हो कि सानो साहब प्लीज़ ये गा दीजिए हमारे लिए या वो गा दीजिए? ये तो रोज़ का काम है, ये तो रोज़ का काम है, ये तब बोल के कोई बात नहीं है, आज भी ऐसा ही है। आज थोड़ा सा उग्र हो गया, लोग उग्र बोलता है ना, थोड़ा सा उग्र हो गया कि बोलने का स्टाइल थोड़ा चेंज हो गया। पहले बोलता सानू जी मेरे लिए ये गाना गाइए, पहले बोलता था, अब बोलता है ए ये गा। तो दोनों का चेंज हो गया स्टाइल, अब जमाना चेंज हो रहा है ना, ए मेरा दिल भी गा, अभी क्या करेंगे। ऐसा बोला है सर सच्ची बोलते हैं, ऐसा ऐसा कोई आर्टिस्ट ऐसे इससे छुटकारा नहीं मिलेगा उनको। अगर वो बोलता है मेरे को ऐसा नहीं बोलता है ना, तो झूठ बोल रहा है। क्योंकि ये बोलेगा ही बोलेगा, क्योंकि उनको तब क्या होता है कि उसका अंदर जो राक्षस है उस समय निकलते हैं, उस समय वो राक्षस निकलते हैं, वो सोचते हैं कि मैं 50 आदमी के अंदर मेरा आवाज आगे जाना चाहिए, तो उसके लिए जो करना पड़े करेंगे। तो होता है ऐसा, ये तो हम लोगों को बहुत झेलना पड़ता है। और कुछ सोफिस्टिकेटेड लोग होता है जो कागज में लिख के भेजते हैं बाकायदा जी, पहले एक बार भेजेंगे, फिर दोबारा भेजेंगे, फिर तीन बार भेजेंगे, चौथा बार वो गाली लिख के भेजते हैं उसमें माँ की गा दे मेरा गाना। तो ये होता है कभी कभी, बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग होता है पढ़े लिखे वाले तो समझ लो एक गाना गा दिया, चार गाना गा दिया, वो उसका गाना नहीं गा रहा है ना, तो फिर बार बार दे दे के फेड अप कंटाल जाता है बोलता है। तो करते हैं सर, कौन से गाने की फरमाइश बहुत ज्यादा आती है? सबसे ज्यादा आशिकी का अभी भी डिमांड है। ऑफ कोर्स आशिकी का अभी भी डिमांड है, आशिकी, दीवाना, साजन, सड़क, ये सब पिक्चर का, बाजीगर 1942, इस तरह के पिक्चर का ज्यादा डिमांड आता है जी। गाना 90s का कोई गाना आप बोलिए। आप हाँ चलो ठीक है, ठीक है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन, मेरे साजन। शक्ति कपूर साहब ने भी एक बार बहुत अच्छी चीज़ बोली थी आपके बारे में, मुझे याद है। एक बार वो आई थिंक फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे, आप भी थे उस सेम फ्लाइट पे, और वो बिजनेस क्लास में थे, और किसी ने उनको आके बोला कि वहाँ कोई लड़का गाना गा, वो आके गाना वाना मेरे साथ बैठ के गाना सुना। ये तो सब लोग, सब जितेंद्र जितने भी लोग थे तब, वो सब लोग वही करते थे भाई। सानू जा रहा है क्या? हाँ सानू मेरे गाड़ी में आएगा, सानू मेरे गाड़ी, वो बोलता है मेरे गाड़ी में आया, वो मेरी गाड़ी में आया। तो हमको जबरदस्ती हम, अरे जीतू जी बोला, जीतू जी के गाड़ी में, जीतू जी बैठ, हाँ मेरे को वो गाना नजर के सामने सुना। एक बार गाया तो अच्छा नहीं यार, और एक बार सुना ना यार, क्या है गाड़ी चल रहा है चला, मैं नजर के सामने कम से कम 8 बार गा दिया, 10 बार गा दिया, पेटी नहीं भरता इनका। तो होता है ऐसा, होता है। वो आर्टिस्ट लोग प्यार करते हैं जी, तो हम लोग को थोड़ा झेलना पड़ता है, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। सर रियलिटी शोज पे क्या ओपिनियन है आपका?
कुछ लोग कहते हैं कि बहुत स्क्रिप्टेड है, अननेसेसरी रोना धोना हो जाता है, तो शायद लगता है कि एक पुश हो रहा है फॉर नो राइम और रीजन, क्योंकि रियलिटी शो है, सिंगिंग है, तो सिंगिंग पे फोकस करो। देखो रियलिटी शो, रियलिटी की शो के बारे में अभी मैं कुछ खराब नहीं बोलूंगा सर, इंडियन आइडल 14 मैंने इंडियन आइडल साइन किया सो मैं कुछ भी खराब नहीं बोलने वाला हूँ, बहुत अच्छा होता है रियलिटी शो एंड मैं कोशिश करूंगा और अच्छा कैसे हो जी। तो ये जो बातें आप कर रहे हैं ना, स्क्रिप्टेड हो कि नहीं हो, देखिए स्क्रिप्टेड हो या नहीं हो, सबसे बड़ी बात है कि आप एंटरटेन, आपको एंटरटेन होता है ना, दैट इज द मेन क्राइटेरिया। अंदर क्यों घुस के कुचड़ने का, आपको आनंद मिल रहा है ना, पर आप आनंद ले हो अभी वो खोदर के क्या होगा पीछे, मैं वही बोल रहा हूँ कि खोदो मत, आनंद लो। और ये रियलिटी का, हाँ आप दूसरा चीज बोल सकते हो, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें आता है कि उस सिंगर का क्या होगा, उन सिंगर लोगों का क्या होगा सर, रियलिटी शो के बाद सिंगर लोग का क्या होगा सर, आपको लगता है उतने मौके मिलते हैं उनको? हाँ उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसको तो मौका तो ऐसा मौका मिलता है कि जो हम लोग कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था। ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है कि करोड़ों लोग एक साथ बैठ के देख रहे हैं उसको। उस समय तो छोड़ दो, हमारे टाइम जमाने में क्या था, टीवी नहीं था इतना जी, रेडियो फेडियो से काम चलाते लोग और कैसेट, तो ये लोग को तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, इनको तो बहुत बड़ा सब कुछ मिलता है, इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये मेन स्ट्रीम में जाएगा या खो जाएगा। इनके पास दो रास्ता है, जो सही ढंग से करेगा वो मेन स्ट्रीम में आ सकता है, और जो ना करेगा वो खो जाएगा, एक साल दो साल उसके बाद खो जाएगा। यही होता है इसमें रियलिटी शोज में, क्योंकि इसमें ना आपको बहुत जल्दी फेम दे देते हैं, और फेम को ना डाइजेस्ट करना, कोई डाइजेस्टिव टैबलेट अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया जो फेम को जल्दी डाइजेस्ट कर ले, ऐसा कोई डाइजेस्टिव टैबलेट है नहीं। फेम को डाइजेस्ट करे वो बड़ा कठिन काम है। तो ये जो ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ, इसमें कुछ दिन बाद वो खुद ही फोटोग्राफ होके बन जाते हैं। अभी ऑटोग्राफ वैसे भी सेल्फी हो गया है। हाँ भाई अभी तो सेल्फी सेल्फी वेल्फी तो सब चल रहा है अभी आजकल, तो सेल्फी भी ऐसा हो गया, सर एक सेल्फी, हम बोले ले लीजिए, फोन दूसरे को दे दिया, ले लीजिए हम बोले ये कौन सा सेल्फी है जी, मैंने ये फुल पी है, हम बोले अच्छा फुल पी, हाँ बोले ये फुल पी है, बोले सेल्फी में कौन आपको कन्विंस कर लिया, राजी कर लिया, और उधर से पूरा फोटो लेंगे, तो दिस नॉट सेल्फी। तो आजकल ऐसा हो रहा है, मतलब ये भी घूम रहा है आहिस्ता आहिस्ता, सेल्फी भी घूम रहा है धीरे धीरे। तो मैं बोल रहा हूँ कि और कितना चेंज होगा, मैं वो देखना हमारे जिंदगी में, हम लोग हमारे इस जन्म में क्या क्या होते हुए देख के जा रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। हमारे बाप दादा ने ऐसा नहीं देखा, इतना चेंजेस नहीं देखा लाइफ में जितना हम जैसा हम लोग देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, आपका नेक्स्ट जनरेशन तो और देखेगा। बिल्कुल सर, फिर रीमिक्सेस के बारे में बताइए, मैंने देखा है आपने कहीं बोला है कि ठीक है वापस आते हो गाने, लोग याद रखते हैं। यस ऑफ कोर्स, इट्स अ पॉजिटिव थिंग सर, लेकिन हमारा तो इमोशन जुड़ा हुआ है ना ओरिजिनल के साथ। हाँ तो इमोशन तो आपको दे रहा है ना, आपका इमोशन, आपका म्यूजिक आपको दे रहा है, आपका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, चुरा के दिल मेरा, जब वो वापस रीमिक्स बना तब, मतलब मुझे याद है मैं शिल्पा के साथ एक इंटरव्यू कर रहा था, मैंने तभी भी उनको बोला कि कुछ भी टच करो ये गाना मत टच करो, मतलब हम इतना सुन चुके हैं, हम इतना एक जुड़े हुए उस गाने के साथ, फिर उसको जाके वापस वही बोला ना, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर को थोड़ा सोचना चाहिए। प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो जो बड़ा बुद्धिजीवी है उन लोगों का, अपने आपको बुद्धिजीवी समझते हैं, जो बड़ा सोच समझ के वो किया होगा चुरा के दिल मेरा जी, उनको पता भी है कि चुरा के दिल मेरा गाना हम लिया किस लिए, कि ये बहुत पॉपुलर है। बिल्कुल ये बहुत चला हुआ गाना है, और इसमें सानू जी और अलका जी ने काफ़ी हद तक अच्छा गाया, और लोगों ने पसंद किया उस गाने को, हमने चुना, चुन के उसे गोबर कर दिया। बिल्कुल, तो इसमें मतलब क्या हुआ, मतलब उस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कितना गोबर है खाली आप सोचो, करेक्ट, उसका दिमाग में क्या भरा हुआ है सोचो, तो क्या करेगा, उनका उतना ही कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा वो बाहर जा ही नहीं सकते जी, वो खरी खराब भी कर सकते हैं, उसको अच्छा नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल। ओरिजिनल सिंगर से गवाओ चाहे तो, अगर आपको बहुत ज़रूरत है तो उस गाने को आपको इस्तेमाल करना ही है। आपका अरेंजमेंट चेंज हो सकता है, म्यूजिक अरेंजमेंट चेंज हो सकता है, लेकिन अलका से, मेरे से, या तो उदित से, या तो सोनू से, जो लोग गा सकते हैं उनसे गवाओ, उसका इम्पैक्ट आपको चौगुना ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि हमारा फैन फॉलोइंग आपको फिर से दोबारा सुनेगा वो। करेक्ट, हमारा जो मिलियंस एंड मिलियंस फैंस है वो दोबारा सुनेगा कुमार सानू जी का ये गाना दोबारा, फ्रेश होके आया नया होके, वो सुनेगा, आपको फायदा होगा उसमें।
आपका इधर गोवर है, आप नहीं करोगे? बिल्कुल। तो थैंक्स फॉर दिस गोवर प्रोड्यूसर एंड गोवर डायरेक्टर, आई डोंट बदर अबाउट, आई डोंट लाइक देम। सर, चार्टर प्लेन खरीदने वाले हो आप, आपका एक सपना है मुझे पता है। देखो, एक सपना था, वो सपना कभी पूरा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता नहीं है कि और होने वाला है, क्योंकि इतना दिन में जब नहीं खरीद पाया तो आप क्या खरीदेंगे। बात यह है, अभी तो फैमिली सब बड़ा हो गया, सब अभी सब इस्टेब्लिश हो गया। हाँ, अगर मेरी बेटी शायद हॉलीवुड में काम कर रही है जी, शायद वो खरीद ले तो हो भी सकता है। चांसेस दिया है। तो मेरा एक सपना था कि मैं खुद का फ्लाइट से मैं शोज वगैरह करूँगा, या मैं सब वर्कआउट भी कर लिया था बहुत दूर तक, फिर बाद में कुछ चीज़ के लिए मैं पीछे आ गया। अच्छा सर, ऐसे और कौन से सपने हैं जो शायद रह गए हो? अब और कोई सपना नहीं है मेरा, मेरा यही सपना है कि मैं ज़िंदगी भर गाते गाते जाऊँ, जितना दिन जीऊँगा उतना दिन अच्छा अच्छा गाना गाता रहूँगा, गाना गाता रहूँगा। सबसे बड़ी बात है लोगों के एक ये जो अपने आम ये जो बॉलीवुड के जो कुछ तथाकथित जो प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर है, उन लोग को जो एक फील होता है ना कि कुमार सानू गॉन यार, ये जो फील है ना इसको मैं भूल प्रमाण करूँगा और करता रह रहा हूँ, अभी भी करता रह रहा हूँ, एक के बाद एक। आप देखो अभी गानसन गुलाब आपने सुना, अभी और 4-5 मूवी ऐसा आएगा, वेब सीरीज भी आएगा। अच्छा। जिसमें आपको मेरा गाना सुनाई देगा, तब आपको पता चलेगा। ऐसे भी आ ही रहे, हमको प्रूव करने की और ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं मरते दम तक गाना चाहता हूँ, इसलिए कि इन लोग जो गलत था ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि ये लोग गलत थे। बिल्कुल सर, एक सेगमेंट है मेरे पास। हाँ, कर लीजिए। कुछ गाने हैं उनके पीछे कुछ मुझे व्याख्या चाहिए। बोलो। अच्छा बोलो तो पहला वाला चुरा के दिल में रहे। खाली इतना मालूम है कि ये गाना मैंने महबूब में रिकॉर्ड किया था, अनु मलिक के म्यूजिक डायरेक्शन में। अनु मलिक बहुत ही खड़ूस टाइप का है, थोड़ा सा कभी भी इनकरेज नहीं करते हैं, खाली डिस्करेज करते रहते हैं। अरे सानू तू, अरे क्या गा दिया आज, से क्या हो गया तेरे गले में आज? बोले सर क्या हुआ? नहीं यार क्या, मज़ा नहीं आया सर, क्या तू क्या? इतना डर जाता था। ठीक है सर, और एक बार ट्राई करते हैं सर, और एक बार ट्राई कर लेते हैं, कर ले यार जो तेरी मर्जी कर ले। मतलब ऐसे फिर हो गया गाना, ची बोल के उठ के चला गया। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो मैं बोला क्या, छी क्या दादा, एकदम चला गया बाहर। हम लोग गाना सुन रहे हैं अंदर बड़े में चला के, डायरेक्टर भी चूम, बोला क्या बात है सानू जी, क्या बात है, क्या बात है। फिर थोड़ी देर बाद आया, सुन लिया साला, कमाल का गाया, खींच के चबा के ये करके चुमा लेके। बोला छी छी छी, तूने क्या गा दिया, ऐसा भी कोई गाता है? कमाल हो गया, मैं आज दिल खुश कर दिया यार। साला ये तारीफ है? हार्ट अटैक हो जाने के शक्कर हो गए थे। हाँ, जैसे पंचमदा का था, पंचमदा बहुत गाली बकते थे, बहुत गाली बकते, अच्छा लगा ना, वैसा गाली बकेंगे ना माँ बहन की, आप सुन के पहले 15 मिनट तो हम जैसा चुप होकर बैठ गया कि शायद अच्छा लगा कि नहीं लगा पता नहीं चल रहा है। फिर पता चला कि बहुत अच्छा लगने से मेरे को, फिर बाद में बताया भरत ये लोग ने बताया। हाँ। कि अरे दादा को तो बहुत अच्छा लगता है तब ऐसा गाली बकते हैं। बोला अच्छा, तो फिर गाली सुनने के लिए मजा आएगा, गाली ही सुनना चाहूंगा। हाँ। बार बार पर भी होता है, एक एक का एक एक स्टाइल होता है। बट अनु मलिक जी जैसा टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर आई थिंक हमारी इंडस्ट्री में बहुत कम है, बहुत ही कम है। बहुत वैरायटी दी है उन्होंने भी, बहुत वैरायटी और बहुत टैलेंटेड है जी। सर, बाजीगर का जो टाइटल ट्रैक है, बाजीगर हो बाजीगर, बाजीगर का टाइटल ट्रैक जो है ना, टाइटल ट्रैक बाद में रिकॉर्ड किया गया, मुझे जहाँ तक याद है कि पहले ये गाना पिक्चर में था नहीं। एंड मैंने सुना कि शाहरुख जी और ये लोग सब रिक्वेस्ट किया कि भाई ये जो टाइटल ट्रैक है इसको शूट किया जाए, इसको हम फिल्मों में रखना चाहते हैं। तो फिर उन लोगों ने फिल्मों में रखा इसको, एंड वही गाना सबसे ज़्यादा हिट हुआ। बिल्कुल, उसमें ही फिल्म फेयर मिला, सब कुछ जो कुछ भी, मतलब ये होता है, ऐसे ऐसे चीज़ें हो जाता है ना। तो बाजीगर पहले था नहीं फिल्मों में, फिर उसको डाला गया। ऐसे बहुत सारे, यस बॉस का गाना था ना, एक दिन आप यूं ही मिल जाएंगे, उस गाने को, इतना सुपर डुपर गाना है, उस गाने को वो लोगों ने रिकॉर्ड किया, फिल्मों में नहीं डालेंगे।
मैं अभी हो गया, फिल्म का जरूरत हो गया, अभी इस गाने को निकालो। एक गाने को निकल रहा है जो इतना बड़ा हिट गाना है, सोचो। तो सब लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि चलो इसको टाइटल जो चल रहा है उसके ऊपर दे दीजिए शुरू में। सुपर डुपर हिट गाना, ऑफ कोर्स उस पिक्चर, यस बॉस पिक्चर में सबसे बड़ा हिट ये गाना है जी, उसको टाइटल में रखा हुआ है। ऐसे कितने हुए, कितने ऐसा काम हुए कि जो लोग सोचते नहीं है, बाद में देखा जाए कि वो ही सबसे बड़ा काम था जिसको ये लोगों ने साइड करके रखा था। तो ऐसा बहुत बार हुआ। सर कुछ ना कहो के बारे में अगर कुछ बता पाए। हाँ हाँ, कुछ ना कहो, कुछ ना कहो गाना जो है वो पंचमदा का, पंचमदा ने मेरे को गाना सिखाया, सिखा के उन्होंने बोला कि तू एक काम कर, इस गाने को तू मेरे को गा के सुना, एक रिहर्सल टेक दे, रिहर्सल में गा के तू सुना दे मेरे को, तू तेरा गाना है, तू जिस तरह से गाएगा मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा, उसके बाद मैं तेरे को बताऊँगा कोई जगह क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको सुनने के बाद बताऊँगा। तो हमने चला गया कैजुअली और हमने बहुत दिल से गा दिया। मैंने बोला तू कैसे गाएगा मेरे को गा के सुना, तो मैंने वो रिहर्सल में उस गाने को मैंने कुछ ना कहो गाया जो आप सुनते हो अभी। उन्होंने मेरे को माइक पे बोला अंदर आ जा, अंदर आ जा, अंदर आ जा, गाना हो गया, अंदर आ जा, सुन सुन क्या गाया। मैंने सर अभी तो गाया नहीं, अभी तो गाऊंगा, आप बताएंगे मेरे को। नहीं नहीं नहीं, हमको जो चाहिए था मिल गया, जो चाहिए था हमको मिल गया गाना, आप जो सुनते हो दैट इज रिहर्सल ट्रैक। ओ दैट इज रिहर्सल ट्रैक, ये था पंचमदा, उनको जो चाहिए वो रिहर्सल में उसको मिल गया। और रिहर्सल में मैं एकदम कैजुअली गाया। हाँ ओ ठीक है, मैं सोचा कि यार गलत ही होगा तो बाद में देख लेंगे, नेक्स्ट बार जब गाएंगे। मैं ऐसा क्लीन बिंदास गा के गया, उनको वही चाहिए था जी। बताओ सर, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपके गाने, आपकी आवाज़ एक इमोशन है हमारे लिए, मुझे लगता है म्यूजिक के हिसाब से मैं 90 से बाहर निकला ही नहीं हूँ, उसके बाद के सारे गाने शायद मैंने रजिस्टर ही नहीं। प्लीज़ अब निकलो मत दो चार को और लपेट लो इसके अंदर जी। सर आई एम श्योर ये पॉडकास्ट देखने के बाद और लपेट ही लेंगे हम। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लोग देखो, लोग अच्छा गाना सुनना अभी भी पसंद करते हैं, अभी भी इतना बैग नहीं गया लोग, क्योंकि बहुत कोशिश हो रहा है कि लोगों को कैसे करके वेस्टर्न कर दिया जाए, ये कर दिया जाए। अरे हम कुछ भी हो यार, हम हिंदुस्तानी आए जी, हम हिंदुस्तानी आए, हमारे अंदर जो संस्कार है वो संस्कार को हम निकल के ऐसा बाहर नहीं फेंक सकते यार। जी जी, तो कहीं ना कहीं हमारे जो मेलेडी म्यूजिक जो है वो कहीं ना कहीं संस्कार से जुड़े हुए है, हमारे संस्कृत से जुड़े हुए है ना। बिल्कुल, सारेगामा पदानिसा ये हमारे जो संस्कृत है, संस्कृत से जुड़े हुआ है, एंड उसको आप जितना भी इग्नोर करना चाहो घुमा फिरा के वो तो आएगा ही आएगा। बिल्कुल, कुछ दिन के लिए होता है फुट टैपिंग, थोड़ा सा ब्रेक डांस, हिप हॉप आ जाता है थोड़ा सा बट नहीं सर, थैंक यू सो मच, मेरे लिए बहुत ही, ये जो एक घंटा आपने मुझे दिया ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थैंक यू सो मच। मुझे अच्छा लगा कि आपने अच्छा क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा लगा कि आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया, ऐसा लग रहा था कि मैं पब्लिक के साथ बात कर रहा हूँ। थैंक यू सर, ये होना चाहिए एंकर, आप जो एंकरिंग किए ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने जैसे कि पब्लिक की बात उठा के आपने सामने रखा, एंड बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ये लिंक है ना अपने पास, ये रिकॉर्ड हुआ ना? हाँ हाँ, ये रिकॉर्ड होना चाहिए सर, ये रिकॉर्ड, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, हम इधर पूपा करें तो भी रिकॉर्ड होगा ये तो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, छोड़ेगा नहीं। अमेजिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू।